हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर आ गए हैं जिसका महाभारत में बहुत जिक्र है। ये है अवंतिका देवी जी का मंदिर, और इसकी मैं जानकारी और अन्य बातें आपको बताऊंगा। ये है संस्कृत महाविद्यालय और गौशाला। देख कितनी सारी गौ अंदर हमें दिखाई दे रही है। और ये संस्कृत महाविद्यालय का मंदिर सजी है। अरे खेतों वालों के लिए होगा पुल। पंटून पुल। कहाँ था वैसे रुक्मणी कुंड? कहाँ था ये? अच्छा, रुक्मणी देवी जी का मंदिर, अवंतिका देवी जी का मंदिर, जहाँ पर रुक्मणी ने तपस्या की और अवंतिका माँ ने उनको दर्शन दिए, और इस तरह से फिर रुक्मणी ने श्री कृष्ण को अपने वर रूप में मांगा था। आइए, एक लोकल है, इन्हीं से पूछते हैं कि जो अवंतिका देवी मंदिर है उनकी क्या हिस्ट्री है। हाँ जी भाई साहब, अवंतिका देवी से रुक्मणी जी का श्री कृष्ण भगवान हरण करके ले गए थे, यहीं से ले गए थे। ले जाने के बाद मथुरा जाकर रहे, और उसी टाइम से मंदिर का नाम प्रसिद्ध हो गया, रुक्मणी हरण यहीं से हुआ था। अच्छा, रुक्मणी यहीं की रहने वाली थी? हाँ, आहार क्षेत्र की, आहार क्षेत्र में आता है। आहार क्षेत्र। अच्छा, तो रुक्मणी जी ने जो है अवंतिका देवी की पूजा की थी। जी, माँ बर मिले तो मुझे कृष्ण मिले, नहीं मिले। अच्छा अच्छा, तो कृष्ण जी यहीं से हरण करके ले गए। जी हाँ। अच्छा अच्छा, तो रुक्मणी के पिताजी जो थे राजा भीष्म। अच्छा, जो रुकम भी कहते हैं, रुकम भाई थे। रुकम भाई जो जो है मेरे ख्याल शिशुपाल से उनकी विवाह कराना चाह रहे थे। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये ऐतिहासिक मंदिर है, और देखिए दिल्ली से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर ये गंगा जी है, और ये पंटून पुल बना हुआ है, इसके पीछे ही रुक्मणी कुंड भी है। आइए दर्शन करते हैं अंदर, चले। उपेक्षा का शिकार है यहाँ पर। बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है, पर्यटन स्थल बन सकता है, पर्यटक आ सकते हैं। कितना सुंदर भव्य मंदिर है। आगे कोई भागते जा रहे हैं।